टेस्टीस्ट वाली पाव भाजी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दू, बैंगन, लौकी, आलू, बंद गोभी और फूल गोभी। इन्हें हमें अच्छे से काट लेना है एक ही थाली में। हमें आलू भी छील कर डाल के काट के डाल देना है। फिर हमें पानी डाल के इसमें इसको कुकर में रख देना है, कुकर की सीटी लगा देनी। फिर मैश बॉईल होने के बाद इसे हमें अच्छे से मैश कर देना है। उसके बाद हमें एक नई कढ़ाई लेनी है, उसमें रखना है हमें तेल, और फिर तेल गर्म होने के बाद डालना है ज़ीरा, प्याज, और फिर प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। उसके बाद हम लोग डालेंगे टमाटर और शिमला मिर्च, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो फिर वो प्याज को अच्छे से भूनने नहीं देगा, इसलिए प्याज को हमें अच्छे से ही पहले से ही भून लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक तो स्वाद अनुसार और लाल मिर्च तो मतलब ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अपने पाव भाजी मसाले के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद हम लोग डालेंगे पाव भाजी मसाला, फिर हम लोग डालेंगे जो हम लोग ने वेजीज थी जो बॉईल कर ली थी और फिर मैश कर ली थी, उन्हें डाल देना है। फिर हमें इनको अच्छे से चला लेना है और इसको भी अच्छे से मैश कर लेना है मैशर लेकर। देखिए हम मैं इतना ज़्यादा मैश कर रही हूँ उससे कि वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। और इसके बाद हमें इसमें नींबू डाल दिए हैं थोड़ी खटास के लिए। फिर अब हम लोग इसमें बन सेकेंगे, तो बन सेकने के लिए सबसे पहले गरम तवे में घी डाल देना है, उसमें पाव भाजी डाल देनी है और फिर कोरिएंडर लीव्स, धनिया डाल देना है। फिर अच्छे से उन्हें सेक लेना है दबा दबा कर। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैंने प्लेट में सर्व भी कर लिया है और ये बहुत टेस्टी है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल कम मसाले पड़ते हैं, इतना टेस्टी और ये बिल्कुल इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी। इतनी सारी सब्जियां डली हैं कि बस क्या ही बोलूँ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय।